हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपने इंग्लिश रीडर का सिक्स चैप्टर गोल्डन गार्बेज। तो गोल्डन गार्बेज में आपने किसकी स्टोरी पढ़ी थी? एक मैन था जो बहुत ही डर्टी था, उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था। तो वो एक स्कूल में के सामने रहने लगा था, छोटी सी हट में। और उस स्कूल में कौन रहते थे? बद्री प्रसाद। वो क्या लेने आते थे बद्री प्रसाद के पास? डेली बचा हुआ खाना। इससे बद्री प्रसाद परेशान हो गए थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया बद्री प्रसाद ने उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि आपने 10 रुपीज का नोट लिया है, लेकिन क्या सच में ओल्ड मैन ने लिया था? नहीं लिया था। तो बद्री प्रसाद उनपे ये झूठा बोलकर उन्हें घर से निकाल देते हैं और कहते हैं इसीलिए आपके बच्चों ने आपको घर से निकाला था क्योंकि आप चोरी करते थे। इस पे वो चला जाता है वहां से छोड़कर, और बद्री प्रसाद स्कूल में अकेले रह जाते हैं। फिर बारिश आती है और डॉग्स वगैरह बार्किंग करने लगते हैं। तो आपने इस स्टोरी में ये पढ़ा था किसके बारे में? बद्री प्रसाद के बारे में। बद्री प्रसाद कौन थे? एक टीचर। अब मैं इसमें से आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकती हूँ, जैसे कि हु वॉज बद्री प्रसाद, या फिर व्हाट वॉज बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद कौन थे? अ टीचर, अ डॉक्टर, अ पियोन। तो आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन थे बद्री प्रसाद, अ टीचर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जैसे बना देती हूँ कि वो ओल्ड मैन था वो कहाँ रहता था? हट, बंगलो, स्कूल। तो अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा वो कहाँ रहता था? हट। ठीक है, इस तरह से आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है ताकि आप इसे समझ सके कि इसके मिड में क्या था। ओके, इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज लर्न करनी है, आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। हम इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस में देंगे, हम एक वर्ड दे देंगे उसके 3 मीनिंग लिख देंगे, उसमें से आपको छांटना है उसका सही कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड द ओल्ड मैन लुक, ओल्ड मैन कैसे दिखते थे? वो डर्टी थे ना, और उसके जैसे व्हाट हैपन्ड वन इवनिंग, एक इवनिंग को क्या हुआ था? बारिश आने लगी थी, रेन कमिंग। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। देन फिलअप्स देंगे, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि इट वॉज डैश इन द रूम, रूम में क्या था? मैंने दे दिया लाइटिंग, पिच डार्क या फिर डार्क। तो आपको अगर आपने लर्न किया है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या था इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ये चैप्टर अपना प्रिपेयर करना है, पूरा लर्न करना है। और हो सकता है इसमें से भी मैं कोई सेंटेंस उठाकर आपको दे दूं कि हु सेड दिस, ये शब्द किसने कहे थे, जैसे आपके और चैप्टर्स में होते हैं कि गो, जैसे कि कोई भी मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, ही सैड नो मास्टर जी आई हैड नेवर सीन एनी नोट ऑन द टेबल, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द किसने कहे थे? ओल्ड मैन ने। इस तरह से आपको ये चैप्टर अपना तैयार करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से थ्योरी रीड करनी है, उसके बाद वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, इसकी एक्सरसाइज लर्न करनी है जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने ग्रामर की रिविजन कराऊंगी। ओके, थैंक यू।